खत्म होगा आज पुराना साल, कल से शुरू होगा नया साल 2023। शुरुआत कीजिएगा उगते हुए सूरज के दर्शन के साथ। उसी के साथ साथ पुराना कैलेंडर अब खत्म होगा, शुरुआत होगी नए कैलेंडर की। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। लास्ट ईयर भी मैंने कैलेंडर से रिलेटेड आपको उपाय बताया था और बहुत लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आए कि उनके काम होते चले जा रहे टू द टारगेट। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि आप लोगों ने उसको विश्वास के साथ किया। विश्वास के साथ करेंगे तो कोई भी उपाय ज़रूर से आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि उपाय ही केवल काम नहीं करेगा, उपाय के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप उस वक्त किसी का, एटलीस्ट जब आप उपाय कर रहे हैं तब आप किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उपाय वो पूरी तरह से रिजल्ट आपको नहीं देते हैं। तो आज मैं आपको कैलेंडर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, नए साल का कैलेंडर ले लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई पर्टिकुलर तारीख पे ही करें, आप कभी भी कर सकते। अब आपकी चाहे समस्या कोई भी हो, चाहे वो पैसे की हो, बिजनेस की हो, नौकरी की हो, प्रमोशन की हो, आपको फॉरेन जाना है या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो, आपको एक मन में पॉजिटिव अफर्मेशन लेके आना है। आपको मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अब मैं जो आपको करके दिखाऊंगी यहाँ पे, वो पुराने कैलेंडर पे करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको वो नए कैलेंडर पे करना होगा और वो भी एक तारीख को या एक तारीख के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो आपने मान लो एक प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, कोई भी हो सकती है वो चीज़, रिलेशन हो सकता है, पैसा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो आपको मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी है और वो आप चाहते हैं कि वो रेंट पे चली जाए या आपकी वो प्रॉपर्टी बिक जाए। अब आप चाहते हैं कि वो रेंट पे चली जाए या वो सेल हो जाए, तो उसमें मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको वो सोच के रखना है। हो सकता है कि उस टाइम के बीच में भी हो जाए, लेकिन तो आपको क्या करना है, शांति से कहीं पर भी बैठ जाना जहाँ आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं हो। इस कैलेंडर के साथ आपको हाथ में लेके वो बैठ जाना है। आप चाहे खुले आसमान में बैठ जाएं और या तो आप मंदिर में बैठ जाएं या अपने कमरे में बैठ जाएं, थोड़े से फ्रेश हो जाइए। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स उस वक्त नहीं होने चाहिए। अगर आप गुस्से में, आप चिड़चिड़े हैं या बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो एक घूंट आप पानी पी लीजिए, आराम आराम से घुट घुट पानी पीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, कोई भी मंत्र उच्चारण करें, किसी भी तरह से अपने आप को कूल डाउन करें ताकि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, आप कूल डाउन हो जाए। आप चाहे तो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, एकदम अपने आप को रिलैक्स कर ले, एकदम शांति से बैठ जाइए। अब बैठने के बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और कोई भी एक, जो भी आपके आंखों के आगे या आपके दिमाग में कोई तारीख आ रही है ना, वो तारीख को आने दीजिए। आराम से ऐसा सोचिए कि कौन सी तारीख आ रही है, कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट चाहे फिर वो 12 है, 13 है, 23 है, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, उस नंबर के बारे में आपको जो भी विजन में आया वो आपको सोच लेना है। कैलेंडर पकड़ना है, फिर कैलेंडर को आपको देखना है और फिर ऐसा सोचना है कि कौन सा महीना मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या किस महीने से पहले मेरा ये मैक्सिमम काम हो जाना चाहिए। मान लो कि मैंने सोचा कि मई 23 तारीख से पहले मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, उससे पहले, वो एक महीने में भी हो सकता है, वो दो महीने में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट के बारे में हमें सोच के रखना है। तो मान लो मैंने सोच लिया कि 23 मई से पहले मेरा ये काम हो जाना चाहिए, 23 मई 2023, ठीक है। लेकिन मैं आपको पुराने कैलेंडर में करके दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, रेड कलर का आपको मार्कर लेना है, स्केच पेन लेना है या पेन लेनी है, और यहाँ पे देखिए 23 तारीख है, ठीक है, ये पुराने कैलेंडर पे करके दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप सर्कल बना देंगे बस, ठीक है, ये आप सर्कल का नाम बना देंगे और यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। ये देखिए टिक मार्क, भले अंदर हो बाहर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से ये सर्कल करके इसको टिक मार्क कर देंगे। और आपको मन में सोचना है, लिखना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, केवल आपको मन में सोचना है कि हाँ, ये 23 मई 2023 से पहले मेरा ये कार्य हो चुका है, मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे जा चुकी है, ये मेरी प्रॉपर्टी ये बिक चुकी है, वहाँ का एड्रेस भी आप बोल दीजिए जितना भी आपको पता है, और इतना मुझे प्राइस मिला है, ठीक है। जितना आपको लगे कि हाँ ये लॉजिकल है उतना ही आप बोलिएगा, ये नहीं कि आप कुछ और ही ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मांगनी है, स्ट्रांगली अफर्म करते हुए। मान लो कि आपकी कोई परीक्षा है, तो देखिए हार्डवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको पता है कि उस डेट को पर्टिकुलर रिजल्ट आने वाला है, तो उस, मान लो कि आपका 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो आप 24 तारीख को राउंड कर सकते हैं वहाँ पे कि 24 मई 2023 से पहले मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ चुका है, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आपको वो चीज़ बोलनी है कि वो चीज़ हो चुकी है और वो खुशी को आपको महसूस करना है। महसूस करते हुए आपको ये भी सोचना है आँखें बंद करके कि जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ आएगी तो मैं सबसे पहले ये खबर किसको बताऊँगा या मैं बताऊँगी। मान लो कि आँखें
करके मैंने सोचा कि हाय मेरा अच्छा रिजल्ट आ गया। और मैंने ना सबसे पहले फ़ोन करके मेरी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि हाँ मम्मी मेरे अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप सबसे पहले किसको फ़ोन करेंगे ये भी आपको सोचना है पूरी तरह से। इस तरह से सोचते हुए अगर आप ये कैलेंडर थेरेपी करते हैं या ये कैलेंडर रेमेडी करते हैं तो ये बहुत सुपरबली अच्छे से इसके रिजल्ट आते हैं। तो जैसा मैंने बताया वैसा आप कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा, ज़रूर परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। लेकिन हाँ, ऐसे ही आपने सोच के ऐसे ही कर लिया कि हाँ हो जाए काम, चलो ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा, कोई भी कार्य आपका नहीं होगा। पूरे विश्वास के साथ, शिद्दत के साथ इसको कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाइएगा। और जैसे मैंने बताया उस प्रोसीजर के साथ करेंगे तो रिजल्ट आपको आना ही है। और आप मुझे खुद नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप एक ही विश के लिए कर सकते हैं, आप 3 विशेज के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार में भी बैठ के कर सकते हैं, आप अलग अलग दिन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि एक बार में एक इच्छा के लिए आप मार्क करें। मान लो कि आपकी दूसरी इच्छा है तो आप उसको 2-3 घंटे के बाद कीजिए, या दूसरे दिन कीजिए, या एक हफ्ते के बाद कीजिए, ताकि थोड़ा जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो 100% पर्टिकुलर एक चीज़ पर ही अच्छे से हो। तो उस तरीके से जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो एनर्जी हमारी बहुत अच्छे से उसमें लगती है और फिर हमें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से आपको नहीं पता कितने लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। और मैं खुद भी कहती हूँ कि कंसल्टेशन इज़ द लास्ट ऑप्शन, पहले आप ये उपाय तो कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ पूरे विश्वास के साथ, उसके बाद भी अगर आपको लगे तो ही आप कंसल्टेशन लीजिएगा। कंसल्टेशन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी आपको दे दूँगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं आप और मंत्रस भी हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।